ये देखिए सर, ये राजस्थान सरकार ने परमिट दिया था और परमिट को ना खारिज करते हुए महाराष्ट्र सरकार गुजरात के अंदर नहीं घुसने दे रही है। सब राजस्थान जाने के लिए गाड़ियां रुकी हुई है और इन गाड़ियों वालों को बॉर्डर से मार मार के वापस भेज रहे हैं। और बाकायदा इनके पास परमिशन है, सबके पास ऑलरेडी पेपर परमिशन दिया हुआ है सरकार ने, और इन्हें जाने नहीं दे रहा है। और कलेक्टर साहब से बात किया तो बोलता है अशोक गहलोतर ने ना बोल दिया है, हमें राजस्थान घुसने के अंदर घुसने नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? सरकार चाहती क्या है आखिर में? हम लोगों के साथ में सरकार क्या चाहती है? ये देखिए यहाँ गाड़ियाँ कितनी खड़ी है राजस्थान के लिए, ये सब राजस्थान के लिए निकली हुई गाड़ियाँ हैं। यहाँ देखिए, देख छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, इनका क्या हाल होगा? अगर कलेक्टर साहब कुछ करना है तो कीजिए, नहीं तो ना भी बोल दीजिए। तमिलनाडु से गाड़ियाँ आई हुई है, आंध्र प्रदेश से आई हुई है, महाराष्ट्र की गाड़ियाँ आई हुई है, ऑलरेडी इनके पास परमिशन है और परमिशन होते हुए भी इनको नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ की पूरी भीड़ लगी हुई है और वहाँ पे पुलिस वाले मार मार के इनको भगा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भाई साहब कुछ बोलना चाहते हो आप? बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। हमारा वाइफ प्रेग्नेंट है तो भी नहीं जाने दे रहे, 8वां महीना चल रहा है और बॉम्बे में कोई करने वाला नहीं है, क्या करेंगे बोलो? अच्छा, सरकार क्या चाहती है? अब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, क्या बोलते हैं लोग? प्रॉब्लम मेरी वाइफ कोई नहीं जाने दे रहा है, राजस्थान बॉर्डर सील है, तो मैं बोला गुजरात बॉर्डर से तो निकलने दो, राजस्थान में हम लोग राजस्थान में देख लेंगे, तो भी नहीं बोलना। क्या बोलते हैं, नहीं जाने दे रहे? जाने दे रहे, डंडे से मार रहे हैं। अच्छा, हाँ बोलिए ना मैडम, बोलिए, आप बोलिए, बिंदास कलेक्टर ऑफिस में जाएगा या बिंदास बोलिए? अरे मेरे को 8वां महीना और ऐसे रस्ते में रोक दिया है, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में करने वाला कोई नहीं है, माँ बाप तो जोधपुर बैठे हैं। हाँ, और बकायदा परमिशन लिया हुआ है आपने? हाँ, परमिशन लिया हुआ है। अच्छा ठीक है, और इनसे सलाह लेते हैं, और कौन कौन कहाँ है? ये देखिए सर, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और इन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे। राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी ना बोल दिया सबको। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? वीडियो बनाओ अपने अपने मोबाइल में, कलेक्टर ऑफिस में भेजो। क्या हुआ, नहीं भेज रहे? नहीं भेज रहे सर, अभी फैमिली सब बच्चे वगैरह सब साथ में इधर है, सब बच्चे वगैरह सब साथ में, क्या करें? ये देखिए सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अगर कुछ सुनना चाहते हो तो देख लीजिए इस वीडियो को। तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से आए हुए सब लोग हैं। आज 3 दिन बाद रवाना हो गए, 3 दिन हो गए, ये लोग परेशान हो रहे हैं। और सरकार चाहती क्या, राजस्थान सरकार क्या चाहती है, ये बता दीजिए हम लोगों को। इलेक्शन तो 5 साल में वापस आ जाएंगे। आप अपना अपना सब वीडियो बनाओ।